यूपी की फूलपुर सीट को देश में वीआईपी सीट माना जाता है। इस सीट ने देश को कई प्रधानमंत्री दिए हैं, कई बड़े राजनेता दिए हैं और इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रवीण पटेल को कामयाबी मिली है। प्रवीण जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। प्रवीण जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद आपका, इसलिए कि अपने सभी पत्रकार साथियों का भी पूरे चुनाव के दौरान बहुत ही निष्पक्ष तरीके से उन्होंने कवरेज किया, इसका आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी, कल जब आप चुनाव जीते तो हमने आपसे राजनीतिक पहलुओं पे बात कर ली थी, आज हम आपसे व्यक्तिगत तौर पर बात करेंगे। जहाँ तक हमें जानकारी कि आप एक राजनीतिक परिवार से हैं, जब आपका जन्म हुआ होगा, आपने आँख खोली होगी, तो एक आम बच्चों की तरह आपका बचपन बीता या कि थोड़ा अलग था, क्योंकि बचपन से ही आप राजनीतिक परिवार में थे, आपके पिताजी विधायक थे? देखिए, स्वाभाविक है, किसी भी परिवार में जो पारिवारिक वातावरण रहता है, बच्चों को उसका संस्कार मिलता है। क्योंकि शुरू से जब से मेरा जन्म हुआ, मेरे बाबा भी बहुत ही सामाजिक कार्यों में लगातार, जो सामाजिक कुरीतियाँ थी उसको दूर करने में लगातार उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा इस क्षेत्र में, और वह भी राजनीति से बहुत ताल्लुक़ रखते थे। और मेरे पिताजी भी क्योंकि बाग प्रमुख हुए, फिर 3 बार विधायक भी हुए, तो स्वाभाविक है कि क्षेत्र के लोगों से बड़ा पारिवारिक जुड़ाव रहा है। तो हमेशा लोगों के आने जाने, मिलने जुलने, छोटी छोटी समस्याओं को समझने में, तमाम चीज़ों का जो एक परिवेश होता है, जो वातावरण होता है, वह धीरे धीरे एक संस्कार में चला जाता है। तो स्वाभाविक है कि हम लोगों के अंदर एक शुरू से ये स्वभाव बन गया था कि लोगों के बीच में आना जाना, मिलना जुलना, और पहले कोई ऐसा इरादा नहीं था कि राजनीति में आने का कुछ ऐसा है। लेकिन मेरे पिताजी 93 में जब नहीं रहे, उनकी डेथ हो गई, तो उस समय मेरी उम्र बहुत छोटी थी, लगभग मैं 8th 9th में ही पढ़ रहा था। और उसके बाद 13-14 साल तक हम लोग इसी तरीके से क्षेत्र में परिवार के रूप में लोगों से तब भी जुड़ाव रहा। और लोगों की जब विशेष लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई जो है आप लोगों को आना चाहिए हमारे बीच में, इसलिए कि लगातार आप लोग सुख दुख में शामिल होते रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि राजनीति में एक अवसर हमें मिला और उसके बाद निरंतर ये प्रक्रिया चल रही है। अच्छा, जब आप बचपन में स्कूल जाते थे तो आम बच्चों की तरह भीड़ में रहते थे या वहाँ वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था, अलग पहचाने जाते थे? नहीं, देखिए, एक बात हम ज़रूर आपसे कहना चाहते हैं कि हमारे परिवार में हमेशा से ये रहा है कि बहुत ही सादगी और सरलता से मेरा परिवार शुरू से ही रहा है। कभी भी बहुत तामझाम में, बहुत वीआईपी कल्चर में कभी कोई विश्वास किसी का नहीं रहा। और मेरे पिताजी एमएलए थे, तब भी वो अपने यहाँ बाग में जो पेड़ लगाए थे उसकी सिंचाई खुद बाल्टी से पानी ले जाके करते थे, अपना कपड़ा भी वो खुद ही धुला करते थे। वही सादगी हम लोग जो है वही सादगी हम लोग आप में भी देखते हैं। नहीं, अब देखिए, जो एक संस्कार मिलता है, हम ऐसा मानते हैं कि जनता से आपका जुड़ाव होना चाहिए, भावनात्मक लगाव होना चाहिए। अब भावनात्मक जुड़ाव और लगाव तभी होता है जब उसमें अपनापन दिखाई पड़ता है। तो हम किसके लिए वीआईपी बने और किसके लिए न बने, तो स्वाभाविक है कि जिम्मेदारियों का निर्वहन अलग अलग होता है और उद्देश्य सबका एक है कि क्षेत्र का विकास हो, सामाजिक रूप से सक्रियता सभी लोगों के बीच में बनी रहे। तो लगातार जनता के बीच में हम लोग एक पारिवारिक सदस्य की तरह ही रहते हैं। कभी हम भी एमएलए थे, आपको हम बताना चाहते हैं, हमारा छोटा भाई है, कभी दिल्ली अगर गया तो कभी यूपी भवन में आज तक नहीं रुका। कभी उसने ये नहीं मांगा कि भाई ट्रेन का टिकट या प्लेन का टिकट है तो हमको वो कह दीजिए, कभी सिफारिश नहीं किया। तो ये हमारे परिवार का कल्चर ही रहा है। तो राजनीति केवल जनसेवा है, तो इसलिए मेरा भी उद्देश्य यही है, जो परिवार के एक संस्कार मिला है, एक जिम्मेदारी भी रहती है, और हमने अपने पिताजी को, बाबा जी को, सब लोगों का जो एक यहाँ पर देखा है, तो स्वाभाविक है कि एक मानसिक दबाव भी रहता है कि हमको उनके अनुरूप ही काम करना है। अच्छा, जो बचपन वाले दोस्त रहे होंगे, खासकर स्कूल टाइम वाले,
उनमें से कुछ लोगों से अब भी संबंध बना हुआ है या सब बिछड़ गए हैं? देखिए, स्वाभाविक है कि संबंध सबसे बना रहता है, और हम लोग बहुत छोटे थे तो क्रिकेट बहुत खेला करते थे, दिन भर क्रिकेट खेला करते थे, तो घर वाले बड़ा उलाहना भी करते थे कि भाई 24 घंटा तुम लोग को खेलना ही है, पढ़ाई लिखाई नहीं करते ज़्यादा। लेकिन जब आप किसी के बीच में जब रहते हैं तो उसका लाभ भी कहीं कहीं मिलता है। पहली बार जब मैं 2007 में MLA का कैंडिडेट हुआ, तो वही जो हमारे बचपन के क्रिकेट खेलने वाले दोस्त से, जहां हम लोग टूर्नामेंट खेलने जाते थे, तमाम जगह पर जाते थे, सब लोग वही जो है पूरे सभाओं की बैठक कराते थे, नुक्कड़ सभाएं कराते थे, और धीरे धीरे वो लगातार अभी भी वो चला आ रहा है। मतलब क्रिकेट आपका शौक है? हाँ, क्रिकेट मेरा शौक है। और क्या क्या शौक है? देखिए, क्रिकेट का भी बहुत ज़्यादा क्रेज रहा है, और किताबें पढ़ना हमको अच्छा लगता है, लोगों के बीच में रहना अच्छा लगता है, उसके साथ साथ जो ज़रूरी और जो हम लोग इस बात को हमेशा कहते भी हैं कि बहुत बड़ा तबका ऐसे समाज में है जिनमें अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, तो निश्चित रूप से एक मेरा भी ऐसा स्वभाव है कि उनके बीच में कुछ न कुछ किया जाए, और लाइम लाइट से हट के किया जाए, पद प्रतिष्ठा से भी उसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एजुकेशन कहाँ तक हुई है आपकी? एजुकेशन मेरा PG हुआ है, BA करने के बाद MA किया, MA करने के बाद लॉ का भी 2 साल का हमारा पूरा हुआ था। उसी समय चूंकि चुनाव आ गया था, तो 1 साल हमारा उस चुनाव के दौरान जो है हो नहीं पाया था, तो लॉ कंप्लीट नहीं हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ाई की है। अच्छा, PG करने के दौरान, लॉ करने के दौरान कोई ऐसा दोस्त, वो वक्त को एजुकेशन का होता है, हाँ, जो बहुत मिस करते हों जिसको? देखिए, सभी हमारे अभी दोस्त जो हैं, कोई हाई कोर्ट में वकालत कर रहा है, कोई कहीं पर अधिकारी हो गया है, कहीं पर टीचर हो गया है, तमाम ऐसे लोग हैं, और स्वाभाविक है कि राजनीति में व्यस्तता ज़्यादा रहती है, उतना समय नहीं मिल पाता, तो एक वो भाव तो रहता ही है कि भाई जितना हम लोग को एक साथ रहना चाहिए, कभी कभी नहीं भेंट हो पाती, किसी किसी विशेष अवसरों पर ही भेंट होती है, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा इसका एक मलाल तो रहता ही हम लोगों को कि भाई, इसलिए कि जब दोस्तों के साथ बैठिए, और ख़ासकर बचपन के दोस्तों के साथ बैठिए, तो अपने आप खुशी महसूस होती है, सुख मिलता है। अच्छा, आप फुल टाइमर राजनीतिज्ञ हैं, जो है वो 3 बार के विधायक हैं, अब सांसद चुन लिए गए हैं, तो घर में पत्नी को, बच्चों को कैसे समय दे पाते हैं, और क्या ताने सुनने पड़ते हैं घर में, डांट पड़ती है? अब देखिए, हमको लगता है कि जो भी राजनीति में है, सभी को ताने सुनने पड़ते हैं, इसलिए कि सवेरे से लेकर रात तक आपका कोई समय नहीं होता, न तो उठने का, न बैठने का, न खाने का, न पीने का, और कई बार ऐसे कार्यक्रम भी होते हैं, बच्चों का बर्थडे है, बहुत सारी ऐसे पारिवारिक समारोह है जिसमें आप नहीं भाग ले पाते, उतना समय नहीं दे पाते, तो बच्चों में और परिवार में मलाल तो रहता ही है कि भाई जो है दिन भर ये लोग घूमते रहते हैं और बच्चों के लिए, परिवार के लिए समय नहीं दे पाते, लेकिन सामंजस्य बैठाना पड़ता है, इसलिए कि जब आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो लोगों को इसका अधिकार रहता है कि आपको जाने, आपको समझे, आपके साथ रहे, ज़्यादा से ज़्यादा समय हम लोगों के बीच में बिताएं, और जितना आप जनता के बीच में समय देंगे, जितना समय बिताने का काम करेंगे, उतना ही आपको। अच्छा, तो ये बताइए कि भाभी जी जब नाराज़ हो जाती होंगी तो उनको मनाते कैसे हैं? अब ये तो मनाने का क्या, मनाने का तो कुछ नहीं है, कभी कभी अवसर मिलता है, तेलचीकों में कांद बाल लेके चले जाते हैं। मतलब बाहर डिनर करा दिया तो मतलब जब 4-5 ऐसा कुछ हो जाता है कि ओकेजन की भाई नहीं पहुंच पाए, कोई बात हो गई, तो कोई ऐसा अवसर मिलता है तो तेलचीकों में हम लोग चले जाते हैं, थोड़ा सा डिनर उनर कर लेते हैं, तो थोड़ा सा कुछ। लेकिन देखिए, मेरी पत्नी भी क्योंकि भी वो भी राजनीति के वातावरण में, परिवेश में रही हैं, उनके पिता भी जो है कई बार विधायक रहे, राजनीति में रहे शुरू से, तो स्वाभाविक है कि जो राजनीतिक परिवेश जिसको भी जहां पर रहता है, मजबूरियां समझती, मजबूरियां लोग समझते हैं सब चीज़ों को देखते हुए।
अब ये भी समझते होंगे कि ये प्रवीण जी अकेले हमारे लिए नहीं बल्कि क्षेत्र की जनता के लिए भी हैं। नहीं देखिए, कोई भी जो राजनीतिक परिवार से है या राजनीति में ताल्लुक रखता है या राजनीति कर रहा है, वो सब लोग इस बात को जानते हैं कि भाई परिवार से ज़्यादा जिम्मेदारी जो है जनता की आपकी जवाबदेही रहती है। जनता सवाल पूछती है, माला पहनाती है, तो दोनों जिम्मेदारियों को आपको देखना पड़ता है। और इस बात को भी हम कहना चाहते हैं कि 2007 में जब पहली बार मैं MLA बना, मैं तो शहर में ही CMP के पास मेरा घर है, वहीं रहता था। लेकिन जब एक महीने मैंने देखा कि भाई जनता यहाँ से जाती थी और अलोपी बाग चुंगी पर उतरती थी, फिर कोई पैदल कोई रिक्शे से घर तक पहुँचता था, और कई बार हम क्षेत्र में निकल जाते थे तो वो लोग वापस लौटते थे, उन सब चीज़ों को देखते हुए फिर क्षेत्र में ही आपने आशियाना, हाँ, तो इसीलिए फिर हमने वहाँ शहर का घर छोड़ के और फिर हमने अम्बावा में अपने पैतृक निवास पर ही आ गए, ताकि लोगों को मिलने जुलने में सुविधा भी हो सके और जहाँ भी हम निकलेंगे तो अपने क्षेत्र में ही रहेंगे। अब संसदीय क्षेत्र में हमको एक अवसर मिला है तो अब हम लोगों को फिर से शहर में ही जाना पड़ेगा, इसलिए कि पांचों विधानसभाओं के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ सुविधा मिल सके। अच्छा, कभी किचन में भी जाते हैं परिवार वालों का हाथ बटाने? नहीं, हमारा शौक है ये, हमको खाना खिलाना अच्छा लगता है और अपने से हम कुछ न कुछ बनाते बनाते भी रहते हैं। क्या अच्छा बना लेते हैं आप? अरे अब क्या अच्छा बना लेते हैं, जो भी बन जाता है, लेकिन यह है कि हमको अच्छा लगता है, हमको अच्छा लगता है कि भाई जो है खाना अपने से बनाना। और देखिए, हम लोग खासकर ग्रामीण परिवेश में देखते हैं, जैसे आप देखते हैं कि भाई बाटी चोखा लोग बनाते हैं, तो बाटी चोखा का संबंध केवल खाने से नहीं है, वो एक जुड़ाव भी, एक भावनात्मक लगाव भी पैदा करता है। जब सब लोग मिलते हैं और मिलके सब लोग एक साथ जो है, कोई जो है प्याज काट रहा है, कोई जो है मिर्चा काट रहा है, कोई टमाटर ला रहा है, कोई आलू ला रहा है, तो ये जो सब लोग सामूहिक रूप से जब एक साथ काम करते हैं, इसी से एक भावनात्मक लगाव भी होता है। और हम इस बात को भी कहना चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये परसेप्शन रहता है कि भाई चुनाव में बड़ा खर्च होता है। 2007 में जब हम लोग चुनाव लड़ने का अवसर मिला तो उस समय ये था कि भाई करोड़ों रुपए खर्च होंगे, लेकिन उस समय मेरा मात्र 7.5 लाख रुपए खर्च हुआ था MLA के चुनाव में, जबकि आप जानते हैं प्रधानी में भी 10-20 लाख रुपए खर्च हो जाता है। अच्छा, आपका आइडियल राजनेता कौन है? क्या वो शुरू से रहा है या बदला भी है? देखिए, हमारे आइडियल तो हमारे पिताजी ही है, इसलिए कि हमने उनको इस बात को देखा है कि जितनी ईमानदारी, जितनी कर्मठता, जितनी सादगी, जितनी सरलता के साथ उन्होंने राजनीति को, और एक तरीके से देखा जाए तो हमने देखा कि उनके लिए जो जनता है वही सबसे पहली प्राथमिकता होती है, और वो केवल MLA और उसके नहीं, एक उनका एक लगाव बड़ा गहरा था और अभी भी लोग इतने सालों बाद भी उनको याद करते हैं, हम लोग जाते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, तो हमेशा जो है वो इस बात को हमेशा कहते भी थे कि भाई लोगों के लिए अच्छा करिए तो आपके साथ अच्छा होगा। अच्छा, जो इस जनता ने आप पर भरोसा जताया है, आपको अपना नुमाइंदा, अपना सांसद चुना है, उसके लिए क्या संदेश है? देखिए, हम यही कहना चाहते हैं कि जनता ने हमें एक अवसर दिया है, जनता ने आशीर्वाद दिया है, और एक जनप्रतिनिधि और जनता के बीच में जो सबसे बड़ी कड़ी होती है विश्वास की। हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि हम उनके बीच में हमेशा मौजूद रहेंगे, उनके सुख दुख में शामिल रहेंगे, उनकी भावनाओं के अनुरूप काम करेंगे। जैसी आशा रखते हैं एक सांसद से, एक परिवार के सदस्य से, उस तरीके से ही मेरा आचरण रहेगा, मेरा व्यवहार रहेगा। इसलिए कि पद तो आता है जाता है, लेकिन जो आपकी कार्यशैली है, जो व्यवहार है, जो आपके कार्य हैं, वही लोग याद करते हैं। तो निश्चित रूप से जो वादे हमने किए हैं, और इस बात को भी कहना चाहते हैं कि क्योंकि प्रयागराज एक नया प्रयागराज बन रहा है और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पूरे खजानों का मुँह खोले हुए है प्रयागराज के लिए, तो एक जनप्रतिनिधि के लिए एक अच्छा अवसर भी है कि उसमें हम तमाम बड़ी परियोजनाओं को ला सके, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा यहाँ पर मिल सके लोगों को, इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा, यही हम जनता से। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि फूलपुर ने देश को कई प्रधानमंत्री दिए हैं, बड़े राजनेता दिए हैं,
एनडीए की सरकार, एनडीए को बहुमत मिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे, तो जनता की तो ये चाहत है कि कम से कम फूलपुर को प्रधानमंत्री ना सही इस बार मंत्री बने। आप भी कुछ ऐसा सोचते हैं? अब देखिए, हम तो यही ये विशेषाधिकार तो प्रधानमंत्री का होता है। हम ऐसा मानते हैं कि जनता ने एक आशीर्वाद दिया है सांसद के रूप में, और एक सांसद के रूप में हम कितना अच्छा काम कर सके, यही सबसे पहली मेरी प्राथमिकता है। और चीज़ें आती हैं जाती हैं, वो क्योंकि प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, लेकिन जनता ने इतना बड़ा अवसर दिया, यही हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। वैसे आपके लिए बहुत हैरानी की बात नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि आप हमेशा लास्ट बॉल पे सिक्स मारते हैं, विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा, लोकसभा चुनाव में। देखिए, ऐसा है कि आपने तो देखा कि कल का जो चुनाव हुआ, मतगणना हुई, विधानसभा के इलेक्शन में भी हम लोगों ने देखा था कि बड़ा नज़दीकी मुकाबला था, आईपीएल मैच की तरह था, लेकिन तब भी और अब भी मेरा मन कभी विचलित नहीं हुआ। बहुत सारे लोग इस बात को कहते थे कि भाई जो है ये तो बड़ा उतार चढ़ाव चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, आपके चेहरे पर कोई सिकर नहीं है, लेकिन हमेशा हम इस बात को मानते हैं कि हमारे पिताजी भी इस बात को कहा करते थे कि आप लोगों की अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। मेरा ये विश्वास था कि निश्चित रूप से जीत हम लोगों को मिलेगी, और सत्य की जीत होती है। क्योंकि विपक्ष ने दुष्प्रचार किया, लोगों को भ्रमित करने का काम किया, खासकर भारतीय जनता पार्टी के बारे में तमाम ऐसी अफवाहों को जन्म दिया जिससे लोग गुमराह हुए। लेकिन इस बात को भी हम कहना चाहते हैं कि लोगों ने एक विश्वास जो जताया है प्रधानमंत्री जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, हम लोगों के ऊपर, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोग इस लोकसभा को एक आदर्श लोकसभा के रूप में बनाने का काम करें। बहुत धन्यवाद प्रवीण पटेल जी। प्रवीण पटेल जी को देख सकते हैं कि सुबह से ही बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं, एसी कमरे में बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद पसीने से लथपथ हैं, और उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता को ये भरोसा दिलाया है कि जो वायदे उन्होंने चुनाव के दौरान किए थे, उन सभी वादों को पूरे करने का काम करेंगे, और जनता के बीच एक सांसद के तौर पर नहीं बल्कि एक सेवक के तौर पर 5 सालों तक मौजूद रहेंगे।